नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा समय आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी अभ्यर्थियों से मेरी यही गुजारिश है कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं। गलत कदम उठाने से पहले आप एक बार अपनी नज़र अपने परिवार की तरफ डालें। क्या हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे परिवार के लिए सही है? क्योंकि एक माँ बाप भाई बहन जो सपने देखते हैं वो आपके अंदर ही सपने देखते हैं। आप कभी भी किसी भी चीज़ को अपने पिताजी से मांगिएगा वो मना नहीं करते हैं। वो किस कैसे भी करके आपको रुपए देते हैं, कहीं से भी लाएं, मजदूरी करके, जैसे भी कुछ भी कर, वो कभी अपनी औलाद को दुखी नहीं देखते हैं। तो फिर आप क्यों ऐसा गलत कदम उठाएं जिससे आपके परिवार को क्षति पहुँचे? तो मेरी सभी से यही गुजारिश है, कभी भी ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएँ। देखिए, इन सरकारों और भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। हमें दृढ़ मजबूत बनना है और उन लोगों को सबक सिखाना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज या कल में आ सकती है 31661 की लिस्ट। अब सबसे पहली बात तो ये अखबार वालों पर हमें भरोसा नहीं है। क्या भरोसा नहीं है? क्योंकि यही कल कह रहे थे कि जिला आवंटन परिवर्तित होगा, और कल ही मैंने कहा था कि जिला आवंटन अगर परिवर्तित होगा तो फिर विवाद होगा नया, और आज कह रहे हैं कि जिला आवंटन परिवर्तित नहीं होगा, वही पूर्ववत रहेगा। यू टर्न देखिएगा किस तरीके से लेते हैं। यही अखबार वाले हैं, पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ लेखपाल की भर्ती करा रहे हैं। ये रोज़ इनका जियो निकलता है, बिल्कुल 5 साल, हर 5 साल में की 100-200 वैकेंसी बढ़ जाती है। 5 साल से देख रहा हूँ उनका मैं। इन अखबार वालों में कुछ भरोसा नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यू टर्न देखिएगा किस तरीके से लेते हैं। अभ्यर्थियों को आवंटित जिला व आरक्षण पूर्ववत रखते हुए 31661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित कर मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को काउंसलिंग होगी। सूत्रों के अनुसार पूर्व की लिस्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, इसमें उन्होंने बता दिया। आप देखिए, इसमें देख लेते हैं, भर्ती की राय में अड़चन बनेगा संशोधन के आदेश। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर संशोधन का अगर आदेश है तो सेकंड लिस्ट में ये मान के चलिएगा 10-15 हज़ार सीटें तो खाली होनी है, तो जो कोई संशोधन वाले अभ्यर्थी हो तो सेकंड लिस्ट में एंट्री करा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें देख लेते हैं, देखो 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्णांक में संशोधन के आदेश से अड़चन पैदा हो सकती है। मेरठ की अभ्यर्थी अर्चना चौहान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को इंटर के पूर्णांक में संशोधन का आदेश दिया था। उस आदेश के आधार पर हाईकोर्ट ने भी संशोधन की अनुमति दी है। ऐसे में सवाल है कि इन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में संशोधन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाएं बगैर भर्ती कैसे संभव होगी? भाई जो अब देखिए, कई अभ्यर्थियों के देखिए संशोधन जो फॉर्म थे उनमें गलती हो गई थी, अब उन्हें संशोधन का मौका दिया गया, तो मेरा मानना यही है अगर पहली लिस्ट को छोड़कर दोबारा जो दूसरी लिस्ट काउंसलिंग होगी तो उसमें इन लोगों को मौका दिया जाए, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली मेरे हिसाब से देखा जाए। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक भर्ती दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन, जो MRC प्रकरण लेकर अभ्यर्थियों को लगातार अनवरत धरना जारी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, कल उन्होंने सरकार को जगाने के लिए शुद्धि बुद्धि का यज्ञ भी किया, और इसके अलावा इन लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से नहीं होती तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सबसे पहली बात तो यही है साथियों, और सबसे बड़ी बात यह है, इनका धरना अनवरत रूप से आज तीसरे दिन भी जारी रहेगा, और इन्होंने ऐलान किया है हम किसी भी कीमत में हटेंगे नहीं। देखिए, इन लोगों को भी पता है, क्योंकि आप जो देखिए अधिकारियों ने इस पर रूप से कह दिया है कि आपकी जो भी मामले हैं उनको हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1 अक्टूबर को सुन लेंगे, और उन मामलों को हम निस्तारित करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब इन लोगों का मानना है कि हमारी मुलाकात, हमको ठोस आश्वासन नहीं मिला, इन लोगों को ये कहना है, और हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का भी आश्वासन नहीं मिला, इस वजह से हम धरना अनवरत रूप से जारी रखेंगे। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, TET 2020 परीक्षा के लिए शासन आज भेजेगा प्रस्ताव। देखिएगा, अखबार वालों के फिर मुझे विश्वास नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ना, अखबार वालों पर मुझे विश्वास नहीं है ये मान के चलिए, क्योंकि यही वो अखबार हैं जो UP लेखपाल, UPSI, TGT, PGT का विज्ञापन डेली जारी करवाते हैं हर बार। तो इन्होंने इसमें लिखा है कि TET 2020 परीक्षा के लिए आज शासन भेजेगा प्रस्ताव, इसमें आगे लिखा है, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसमें साफ साफ किया लिखा है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऑनलाइन आवेदन लेने व दिसंबर में परीक्षा कराने की तैयारी। अगर दिसंबर में परीक्षा आपकी कराती हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मान के चलिएगा आपका फरवरी में सुपर टेट होने वाला है, चाहे वो एडेड स्कूल का हो या प्राइमरी स्कूल की एक वैकेंसी हो आने वाली है, ये है 101%, अगर क्योंकि एक टेट होने के बाद ही एक वैकेंसी आएगी, और सरकार चुनाव के पहले एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देने वाली है। और जो भी अभ्यर्थी हमारे इस भर्ती में सफल नहीं हुए किसी कारणवश, देखिएगा कोई भी अच्छे अभ्यर्थी होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते, कई गलतियां हो जाती हैं उनसे,
तो उन सभी से गुजारिश है, अपनी पढ़ाई निरंतर रखिएगा और जैसे ही मौका मिले ना तो मैदान में कूद जाइएगा फुल फॉर्म में होके। ये मान के चलिएगा एक सीट आपकी पक्की है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं ये। ठीक है बस साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तो शेयर भी कर दीजिए जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।